कहते हैं औरत एक उसके रोल अनेक, सही है ना? अभी लोग आजकल मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर तो देखते ही हैं लेकिन जो चीजें आप लोग नहीं देखते हो वो मेरा दिल किया कि आज मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सब कहते हैं ममता जी हम आपके वीडियोस नहीं आते, मैं क्या अब इतने वीडियोस दूंगी ना तंग आ जाओगे आप लोग मेरे से। बाकी आजकल हम यूट्यूब पे रोज वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए, तो आपने प्यार देना नहीं भूलना। बाकी दुबई में कल हुई थी बारिश और इतना बुरा हाल हुआ है पूरे दुबई में, हमारे घर के बाहर भी इतना पानी भरा हुआ था और कई तो घरों में ही उनकी जो गाड़ियां हैं वो पार्किंग में खड़ी हुई डूब गई। और मतलब हर जगह कुछ ना कुछ, मतलब जो न्यूज़ में हमने देखा लोगों की बालकनीज में से सामान नीचे गिरा, एनीवे मतलब वो सारी चीज़ें तो हो ही रही थी। उसके साइड में मैं भी इतनी बिजी चल रही थी और मेरी भी गाड़ी कहीं जाते हुए फंसते फंसते बची, उसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए डाली है। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि ठीक है, मी बींग एन इन्फ्लुएंसर, मी बींग आप कह सकते हो अभी मैं इवेंट्स भी कर रही हूँ, अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, अभी मैं एक मॉम भी हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाती भी हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने घर का काम भी करती हूँ, लेकिन प्राउडली करती हूँ बिकॉज आई एंजॉय इट। रीजन बींग मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे मेरे हस्बैंड को मेरे बेटे को अपने हाथ का खाना खिलाना अच्छा लगता है। मेरी आज सुबह से लेके मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स थी और मेरा एक इवेंट भी आ रहा है 21 को, उसकी तैयारी चल रही थी और मैं एक लड़की हायर करने के लिए गई थी उसकी इंटरव्यू लेने के लिए, वो करके अभी घर आई और आते ही मेरे हस्बैंड को बोला, मैं क्या खाओगी? कहते नहीं नहीं बाहर से मंगवा लेते हैं। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, बाहर का खाना घर पे नहीं आएगा, घर पे बनी है आज करारी करारी दाल, दिखाऊं आपको? तो मैंने आज दिन में बनाई थी दाल, तो दाल रखी है मैंने गर्म होने के लिए, ठीक है? ये मैंने शाम को बनाई थी दाल, तो ये दाल तड़का मैंने बनाई थी और इसमें मैंने क्या करा था ना, मैंने चार या पांच तरह की दालें मिक्स करके बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी है, ऊपर धनिया वगैरह डाल के इसको प्रॉपर तड़का लगा के, पर हाँ कम घी वाला, ज़्यादा घी नहीं हम खाते। और अभी मैं बेटे के लिए रखे हैं चावल क्योंकि उसको राइस बड़े पसंद है, तो शाम को बनाए थे राइस मैंने, मुझे कहता मम्मी राइस ना खाना, राइस मेरे लिए छोड़ देना, तो मैं कहता चल ठीक है बेटे राइस तेरे लिए छोड़ दूंगी। तो मैं बनाने लगी थी आज परौंठियाँ, ठीक है जी? तो आटा गूंद रही हूँ, देखो छोटे होते थे ना तो सब लोगों को मैंने परात में आटा गूंदते देखा है, जिनको परात नहीं पता आप चेक करना लिख के परात क्या होती है। तो बेसिकली पंजाब में तो ना पीतल की परातें ही यूज होती थी जिसमें लोग आटा गूंदते थे, लेकिन हम आजकल स्मार्ट हो गए हैं, हमें लगता है नहीं इतनी बड़ी परात कौन धोएगा क्या करेगा, तो चलो इसी आटे को गूंद लो, ठीक है ऐसी। तो हम लोग तो भाई किसी भी चीज़ में आटा गूंद लेते हैं आजकल तो, पर एक ही चीज़ आटे की गूंदने की ना बस मुझे वो चिपकता है ना हाथों में और नेल्स में, बस वो थोड़ा अजीब लगता है। तो एनीवे आज की अपडेट ये है कि बनेगी दाल, बनेंगे साथ में पराठे और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद आज हमारे घर में हलवा भी बना था क्योंकि आज क्या थी, आज थी रामनवमी, रामनवमी में लोगों के घरों में पूड़ी बनती है, हलवा बनता है, तो हमारे घर में भी बना था और वो हलवा थोड़ा सा मेरे लिए पड़ा भी हुआ है साइड में। तो चलो आज मेरा ये रूप आपको देखने को मिला बड़े टाइम के बाद में। हाँ भाई मैं रोटी भी खाती हूँ, लोग मुझे कहते रहते हैं आपका वेट कैसे लूज हो रहा है, मेरा वेट लूज हो रहा है, मैं ढंग का खाती हूँ। बाकी एक और चीज दिखाती हूँ, रुको मेरा हाथ गंदा यार कैसे दिखाऊं, रुको ये देखो, ये एक मेरा सेक्शन है यहाँ पे जो मेरा हेल्थ का सेक्शन है, इस पे पड़े अखरोट, इस पे पड़ा मेरा घर का बना हुआ च्यवनप्राश, इस पे पड़ा है मेरा हनी, ये पड़े हैं मेरे चिया सीड्स, वो पड़े हैं पीछे मेरे तिल का डब्बा और खजूरे, और पीछे पड़ा हुआ एक कौन सा ऑयल था वो वेट वेट आल टेल यू, बट वो बड़ा कड़वा है यार, फ्लैक्स सीड ऑयल पड़ा हुआ है, उसके साथ कोकोनट का एक MCT ऑयल होता है शायद वो पड़ा हुआ है। तो ये ना मेरा हेल्दी कॉर्नर है, तो ये ना मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए ताकि मैं अगर लटरम पटरम भी खाऊं ना तो मतलब ये तो जरूर मैं इसको कंज्यूम करूं। तो मैं आजकल ना स्मूदी बनाती हूँ और स्मूदी में इसको डाल लेती हूँ, दो बनाना, उसमें थोड़े से चिया सीड्स, थोड़े से उसमें तिल, थोड़ा सा सैफरन, सैफरन तो आपको मैंने दिखाया नहीं, बाय द वे सैफरन दिमाग के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये सारा मिश्रण जो डाल वाल के ना मैं मतलब आजकल हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी देखते हैं बाहर दरवाजे से कोई तो आया था, कौन है, कोई तो आया था अंदर, पता नहीं कौन आया था, हमारे घर में यहाँ ताले भी नहीं लगते, हमारे घर में कभी हम ताला नहीं लगाते, हमारा घर खुला ही रहता है दुबई इज क्वाइट सेफ। अच्छा और क्या अपडेट देनी थी आपको, और अपडेट ये देनी थी कि भाई दुबई में अब ममता जी हैं और दुबई में कौन कौन सी चीज़ें ममता जी आपको दिखाएं आप ज़रा बता देना कमेंट्स में, ताकि वैसे वाली हम आपको वीडियोस दिखा देंगे। बाकी आया कौन है घर में, एक मिनट ज़रा रुको मैं देख के आती हूँ, मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही है, रुको रुको वही रुक जा, ये रुकने को तैयार नहीं क्योंकि मेरे हाथ गंदे। अच्छा तुम कौन है, ज़रा इधर आना,
मैं डर गई, मैं कहा कौन आया हमारे घर, दाल गाढ़ी नहीं होगी अभी तुम्हारी? बस बना रही हूँ, बना रही, परांठी बना रही हूँ मैं, फटाफट से आ गई मैं, आ गई। एक मिनट रुको जरा, रुको 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 रुको। पहले होती थी बड़ी बड़ी फैमिलीज, है ना, पहले बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी घरों में, तो आटा भी हमारे बड़े बड़े ड्रमों में होता था। आजकल आटा देखो छोटी छोटी फैमिलीज का ऐसी ऐसी चीज़ों में हम डाल के रखते हैं, तो इसको मैं संभाल लेती हूँ। आटा कहते तो हैं गूंदने के बाद थोड़ा टाइम उसको रखना चाहिए, सेटल करना चाहिए ताकि उसकी रोटी सॉफ्ट बने, तो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि इसको रख के वेट करूँ। तो इसको मैं तब से ना, मतलब सोच रही थी हाथ से ही मल लेती हूँ। इसको मल के इसको मैं लगाऊंगी इसके अंदर अजवाइन, इसमें लगाऊंगी अगर परांठी खानी होगी किसी ने तो नमक, नहीं तो प्लेन। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बन रहा है खाना, खाना दो मिनट। हाँ डालो, दाल थोड़ी पतली नहीं करनी, तवा तवा, लेट मी टेक तवा। आन को बोल दो, हाँ ठीक है ठीक है, सही है। ये निकाल लिया मैंने देसी घी, क्योंकि हम सिर्फ देसी घी में ही खाना बनाते हैं, हम लोग ऑयल नहीं यूज करते। और आजकल हमारा फेवरेट घी चल रहा है RKG घी, क्योंकि इसका रंग बड़ा प्यारा है, खुशबू बहुत अच्छी है। वैसे हम इससे पहले ब्रिटानिया वाला यूज करते थे, फिर हमने शिफ्ट किया RKG पे, और शर्मा जी ने कहा मेरे लिए बनाओ परौंठी, तो मैं कहा चलो जी रोटी नहीं बनाते परौंठी बनाते हैं, परौंठी जिसके अंदर घी घी लगे, परांठा भी बोलते हैं लोग इसको। हो गई दाल? चलो बस दो मिनट लगेंगे, बन जाएगी, मैं बना के देती हूँ, जरा रुको जरा। दाल लगा हो गई? हाँ जी दाल लगा हो गई, हो गई है, बस मेरी परांठी भी बन गई है, टाइम नहीं लगेगा, दो मिनट लगेंगे। डाल लो दाल? हाँ डाल लो, मैं दे देती हूँ परांठी बना के, दे रही हूँ मैं, दो मिनट। परांठी तो पंजाबियों की भाई फेवरेट चीज़ होती है, और खाना बनाना ना मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इससे ना बंदा राइट टाइम पे आ गया। हाँ मेरा बेटा भी आ गया ना, खाना खाना बना रही है। आहान कहाँ है, दिखाओ जरा, आहान को भी दिखा दो। परांठे मम्मी के बहुत पसंद आते हैं। बन गई, हमारा परांठा बन गया, पसंद है, चला जाए, ये लो डल गया। ठंडे तवे दे कहते परांठा बंदा देखा, गैस ही नहीं बाली। गैस ही नहीं बाली, मैं गैस ही बालना भूल गई, चलो बाल देती है। वीडियो बनाने के एक्साइटमेंट में ठंडे तवे पे परांठी डाल दिए, देखो ठंडे तवे पे, अभी मैंने गैस बाली है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं शर्मा जी से पूछा इसमें अजवाइन और नमक डाल दूं, कह रहे दाल बहुत स्वाद बनी है, खाली बस घी वाली परांठी दे दे। और पंजाबी पंजाबी घरों में घी जो है ना वो उनकी फीलिंग है, उनका इमोशन है देसी घी। तो मतलब अब अगर हम किसी के घर जाते हैं ना और वो अगर हमें रोटी के ऊपर देसी घी नहीं लगा के देते तो हम ऑफेंड फील करते हैं, हमें लगता है भाई हमारी सेवा नहीं हुई। और अगर हमें चाय पिलाओ तो हमें चाय में दूध ज़्यादा चाहिए, हमें दूध वाली चाय ज़्यादा पसंद है। तो ये पंजाबियों के घरों का यू नो वेरी टिपिकल वो रहता है। बाकी चलो देखो, पराठी बनेगी गरम गरम आज, मेरा भी मन है यार। मैंने भी पहले नवरात्रि चल रहे थे तो हम लोगों ने घर पे ज़्यादा रोटी वगैरह बनाई नहीं, और अभी चलो अब हम खाएंगे। अभी हमने पूड़ियाँ भी बनाई थी, तो परांठियाँ तो खैर हमारे घर रोज़ ही बनती है, कभी आलू के परांठे, गोभी के, मूली के, आज बन रहे हैं प्लेन। बाकी कभी भी खाना बनाओ कहते हैं ना, खाना दिल से बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मूड से आप खाना बनाते हो ना उस तरह का मतलब उस खाने के अंदर रस जाता है, या कह लो आपके उस खाने में वैसी तासीर जाती है। सो हमारी परांठी गई है बन, अब इस पर लगाते हैं देसी घी। लो जी एक परौंठी बंदी पई है, एक बना ली है, शर्मा जी को दे दिया, लो जी परौंठी रख दो यहाँ, ठीक है जी। मैं कहती हूँ दुनिया के किसी स्टार, मतलब किसी भी 5-7 स्टार का खाना खा लो, पर घर का खाना घर का होता है ना शर्मा जी। आ जाओ फिर, ले जाओ अपना खाना, हूँ परौंठी ले जाओ, लो जी ले जाओ यार। अच्छा बाहर वो प्रेस वाला आया हुआ है कपड़े लेने के लिए, उसको दे रहे हैं कपड़े। जब भी खाना खाने बैठो कोई ना कोई आ ही जाता है ऊपरों। चलो ये तो सब चलता है, अभी मेरे हाथ से पेड़ा उछला है। वैसे पंजाबी कल्चर में कहते होते थे अगर पेड़ा, पेड़ा मतलब आटे का पेड़ा हाथ से गिर जाए तो मतलब आपके घर गेस्ट आने वाले हैं। देखते हैं हमारे घर भी कोई गेस्ट आ ही जाए रात को। वैसे तो दुबई की लाइफ ऐसी है कि
सब लोग अपनी रोजी रोटी में, घरों में, बच्चों में बिजी रहते हैं, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि लोगों से मिलो, बाहर निकलो, कुछ ना कुछ नया करते रहो, नया सीखते रहो। तो आफ्टर फ्लाइंग भी मेरी लाइफ अच्छी है, मतलब ऑनेस्टली मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, आउट एंड अबाउट रहती हूँ और नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जॉब कर रहे होते हो तो काइंड ऑफ आपका एक ना बस थॉट प्रोसेस एक सर्टन टाइप का ही रहता है। जैसे फ्लाइंग में थी तो एक सर्टन टाइप ऑफ पीपल ही मिलते थे, हाई प्रोफाइल पीपल, VVIPs, फाइव स्टार्स में बैठना, फाइव स्टार्स में खाना। लेकिन टचवुड ग्राउंड पे ना एटलीस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों के साथ सोशलाइज करने को मिलता है, बातचीत करने को मिलता है। और हाँ, डिफिकल्ट भी होते हैं कभी कभी लोग मैनेज करने, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जो रियल लाइफ है ना, रियली में मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड रियल लाइफ है। फ्लाइंग में तो हम लोग एक बबल में जी रहे थे, मतलब सब कुछ हाई प्रोफाइल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मतलब सब कुछ। बट ऑन ग्राउंड यू काइंड ऑफ मीट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, तो अच्छा रहता है। आई थिंक इट्स अ गुड गुड थिंग। दे जाओ रोटी हमें। काम वाले का देखो कैसे रहता है, आधा घंटा हो गया टेबल पे खाना पड़े हुए, कॉल आ गया, खाना ठंडा हो गया, वापस लेकर आई हूँ उसको, मैंने कैसरोल में रखा है, अभी दोबारा बना रही हूँ। तो वर्किंग पीपल लाइफ नाउ डेज, ऑफिस एंड घर, यू नो, इट्स ऑल मिक्स्ड अप। पहले हमारे माँ बाप की जिंदगी अच्छी होती थी, स्कूल या कॉलेज में जहाँ पे भी मतलब कोई भी काम वो करते थे तो शाम को 3-3:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, जो है उसी में खुश रहते थे। आजकल तो हम सबकी लाइफ भी यू नो कितनी डिफिकल्ट और टफ हो गई है, और लग्जरी इतनी हो गई है, हर बंदा कुछ भी पाकर यू नो दे वांट टू अचीव मोर इन लाइफ। तो मतलब लाइफ में चैन तो बचा ही नहीं है किसी की लाइफ में भी, वी ऑल आर रनिंग लाइक यू नो हेल, रेस लगी हुई है एक सबकी जिंदगी में कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, वो मेरे से आगे क्यों बढ़ गया टाइप्स। एनीवे चलो, गरम गरम पराठियाँ, वाह जी वाह, क्या बात है, अच्छा बना देती हूँ खाना वैसे, मुझे लगता है मैं इसको थोड़ी करारी करते हैं क्योंकि मुझे करारी पराठी पसंद है। चलो जी, खाना ऑलमोस्ट बन गया, खिलार पूरा देखो किचन में मचा हुआ है, सारी किचन अभी संभालनी है रात को। मेरे घर में क्लीनर आता है पर वो आजकल सुबह आता है, पहले वो शाम को आता था, तो अभी सोच रही हूँ कि शाम को वाला भी कोई लगवाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी काम हो रहा है आजकल घर में, गेस्ट वगैरह भी काफ़ी आ रहे हैं। देखो पूरा इधर खिलार मचा हुआ है ना सारा, देखो 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 देखो, पर चलो कोई नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, किचन में हमेशा आओ, अच्छे मूड के साथ आओ, मूड के साथ खाना बनाओ, अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि जिस मूड से आप खाना बनाते हो ना वो उसमें जाता है और इसी तरह का हमारा नेचर बनता है। तो चलो बाकी कुकिंग को एंजॉय करो, खाने को एंजॉय करो, ये चीज़ों को भी एंजॉय करो, ये भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। गुड बाय फॉर नाउ।